बताता हूं कि अब तक लगातार सवाल ये पूछा जाता था मीडिया में भी, या विमर्श का मुद्दा ये होता था कि मोदी के सामने में कौन, 2014 का लोकसभा चुनाव इसी विमर्श पे लड़ा गया, 2019 का लोकसभा चुनाव भी इसी विमर्श पे लड़ा गया कि मोदी के सामने में कौन। लेकिन 7 सितंबर से जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई उसने इस विमर्श को बदल दिया है राजीव जी। अब विमर्श यह हो चुका है कि राहुल गांधी के सामने में कौन, विमर्श ने सीधे सीधे 180 डिग्री यूटर्न ले लिया है कि राहुल गांधी के सामने में कौन होगा। आप अगर देख रहे हैं कि टीआरएस को अपना नाम बदल के तेलंगाना राष्ट्र समिति से उन्होंने भारत राष्ट्र समिति नाम किया है उन्होंने, और वहां पर अलग अलग क्षेत्रीय दल जाके जो है कि वो वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। अब देखिए बीजेपी ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, अगर उनके कुछ आंतरिक रिपोर्ट आप देखिए, वो खुद मानती है उनकी आंतरिक रिपोर्ट की वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं, कम से कम दक्षिण में 100 सीटों पर जो है कि वो लाभ की स्थिति में रहने जा रहा है। अगर बीजेपी ये खुद ही मान रही है तो आप सोच के देखिए कि कितने बड़े लाभ की स्थिति में है। राहुल गांधी अगर 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी सारे वो जो दूरी है राजीव जी वो 450 मीटर की दूरी, उस राहुल गांधी के 3000 किलोमीटर की यात्रा के जवाब में माननीय प्रधानमंत्री जी 450 मीटर की यात्रा करते हैं, रोड शो करते हैं, ढोल बाजे नगाड़े के साथ करते हैं। तो आप सोचिए कि दिखावे का दबाव कितना ज्यादा है, इनके दिखावे का रूप देखिए। एक तो यह कि हम भी रोड शो कर रहे हैं, हम भी राहुल गांधी जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, आज वो मुस्लिमों के प्रति प्रेम दिखा रहा है, सही कह रहे थे टंडन जी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा है उनके ऊपर, और घरेलू दबाव भी काफी ज्यादा है राहुल गांधी के राजनीति के कारण, क्योंकि राहुल गांधी ने जो 2-3 एजेंडे लिए हुए थे कि नफरत की राजनीति को छोड़ने और उसको हटाने को लेकर आर्थिक जो सवाल थे उसको बिल्कुल दृढ़ता के सामने में देश के समक्ष रखा। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी बाध्य है अपने ही पार्टी के लोगों को कहने के लिए कि मुस्लिमों के प्रति कुछ बयान मत दीजिए, सम्मान की भावना रखिए, लेकिन यहां पर भी ये बातें राजीव जी केवल कहने के स्तर पर है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ ये बयान दे रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों के प्रति सम्मान की भावना रखिए, दूसरी तरफ 2006 में माननीय उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी उन्होंने जो कि अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना शुरू की थी पढ़ो परदेश, उसमें एक तरह से जो विदेश जाते थे छात्र पढ़ने के लिए, उस शिक्षा पढ़ने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, उनको एक तरह से छात्रवृत्ति में सब्सिडी जो इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी जाती थी, उस योजना को प्रधानमंत्री जी ने बिना कहे बंद कर दिया है राजीव जी। तो आप सोचिए ऐसे तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, और उसमें केवल मुस्लिम लोग ही नहीं जा रहे थे पढ़ने के लिए, जैन समुदाय के लोग भी काफी भारी संख्या में जा रहे थे विदेश, पारसी समुदाय के लोग भी जा रहे थे, उस बजट को भी आवंटन बंद कर दिया। तो इनका अल्पसंख्यकों के प्रति जो दोहरा रवैया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो अन्य दूसरे अल्पसंख्यक जिसके प्रति वो और प्रेम दिखाते रहते हैं कि जैन तो हमारे ही है, पारसी तो हमारे ही है, बौद्ध तो हमारे ही है, उनके प्रति भी उनका दोहरा रवैया सामने में आ गया। आज राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया आप सोच के देखिए, लगातार उनके सवाल उठ रहे हैं कि भाई नफरत के बाजार में हम प्यार की जो की मोहब्बत की हम दुकान चला रहे हैं, इसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा बोली बदलनी पड़ रही। तो उनको समझ में आ रहा है स्थितियां राहुल गांधी के इस पूरे रोड शो के बाद बीजेपी के लिए बहुत प्रतिकूल हो जा रही है। अब तक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को सामान्य लोग काफी जटिल मानते थे, लोग महंगाई और बेरोजगारी तक की बात करते थे, लेकिन अब लोक विवश में राजीव जी यह विषय सामने में आ चुका है कि आखिर अमीर और अमीर क्यों हो रहा है, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है। आप सोच के देखिए, हम लोग लगातार जीएसटी को लेकर विरोध करते थे कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो सभा के ऊपर समान रूप से नहीं लगाना चाहिए। आप दूध दही और सामान्य जो जनोपयोगी वस्तु है जिसका गरीब भी उपभोग करता है, आप देखिए ऑक्सफॉर्म के रिपोर्ट में वो चीजें भी सामने में आ गई कि आप जीएसटी और वैट तो कॉमन लोगों के ऊपर लगाते चले जा रहे हैं और कारपोरेट टैक्स में कमी करते चले जा रहे हैं। कारपोरेट टैक्स में जब 2019 में कमी की गई थी, सोचिए जो कारपोरेट टैक्स 40% तक था उसको आपने 22% और 15% तक घटा दिया। उसमें राजीव जी 2019-20 में कम से कम सरकार को 87,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है, 2020-21 में 97,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है, 2021-22 में 1,00,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। और क्या दावे किए जाते हैं कि हम इसमें कारपोरेट टैक्स में कमी कर रहे हैं कि देश में विदेशी पूंजी निवेश काफी ज्यादा आएगी। कंपनियों ने लाभ तो ले लिया कारपोरेट टैक्स के कमी का, लेकिन विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर हम लोग फिर से 0/0 में ही रह गए हम लोग। तो जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर देते हैं,
और बाकी गरीबों का देखिए स्थिति कितनी गंभीर है। आप जब वैट जैसे टैक्स बढ़ाते हैं, जीएसटी जैसे टैक्स बढ़ाते हैं, तो सीधे सीधे गरीब का खून चूस चूस के आप उसको हस्तांतरित करते जा रहे हैं भारत के चंद अमीरों को। ये स्थिति आप सामान्य लोग समझने लगे, इसका क्या उत्तर है उनके पास? हम लोगों को देश में अभी तक बुलेट ट्रेन नजर नहीं आ रहा है, ना किसानों की आय डबल हुई है वो नजर आ रही है। तो ये जो आप राजनीतिक विमर्श देख रहे हैं, जो हैदराबाद में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, उस राजनीतिक विमर्श के केंद्र बिंदु में राहुल गांधी ही है। उन्होंने इस विमर्श को बदला है। आज देखिए विपक्ष के लोगों ने भी छटपटाहट है कि राहुल गांधी से कैसे निपटा जाए, कांग्रेस से कैसे निपटा जाए। सत्तारूढ़ पार्टी में भी छटपटाहट की स्थिति है कि राहुल गांधी से क्या किया जाए। इसलिए राहुल के जो आपने हेडिंग लगाया है कि राहुल के चक्रव्यूह में फंस गए सियासी दल, बिल्कुल फंसे हुए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। आप बताइए बिना कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन कैसे हो सकता है? आप कांग्रेस को अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को भी देखें तो राजीव जी उससे भी कांग्रेस को 12.5 करोड़ वोट आए थे, तो उनको हटा के आप 12.5 करोड़ वोट से रहे। उस समय में कांग्रेस को आया था सबसे बुरे स्थिति में, उसको हटा के विपक्ष की संरचना बन ही नहीं सकती है कभी। तो ये तमाम तरह की चीजें अब स्पष्ट हो गई और बीजेपी के लिए उल्टी गिनती जो हम लोग कहते हैं वो बड़ी परेशानी की स्थिति में, जिस तरह से यही कारण है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव ना हो सके तमाम। आप बताइए अगर इनके पसंद के अगर चीफ जस्टिस होते हैं तब तो ये नहीं कहते कि हमको भी जो अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधि होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में। और अगर इनके पसंद का चीफ जस्टिस ना हो तो इनको अपॉइंटमेंट में भी हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है। तो स्थितियां जो इन स्थितियों को संवैधानिक स्थितियों को राहुल गांधी देश में जिस तरह से बार बार रखते जा रहे हैं, जो मोदी मीडिया नहीं रख रहा था, बाकी दूसरे लोग नहीं रखने दे रहे थे, वहां से जनविमर्श को उन्होंने ऐसा बदला है कि सबके सब दबाव में हरा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए उस नाभि के एक तो वो मीडिया जहां से कि हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति का प्रारंभ किया जाता है, जहां पे 24/7 प्रधानमंत्री जी को अत्यंत महिमा मंडित किया जाता है, तो सत्ता पक्ष में वो है, अधिकांश राज्य सरकार में वो है, लेकिन सवाल सदैव जो विपक्ष से पूछा जाता है, सदैव विपक्ष की छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है। और तो दूसरा चीज है कि वहीं से निकलता है कि आप मीडिया में कैसा विमर्श दिखाते हैं। और अब देखिए देश के लोगों को तो इतना स्पष्ट हो गया, उन्होंने खुल के जिस तरह से समझाया है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा पर कोई व्यक्ति अगर निकलता है उसको मीडिया में स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन 450 मीटर के प्रधानमंत्री के रोड शो को मीडिया महिमा मंडित करके दिखाता है। तो देश के लोग बेवकूफ नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता कि 450 मीटर बनाम 3500 किलोमीटर का अंतर कितना बड़ा सा अंतर है। तो वो जो दो तीन चीजें हैं कि आप सीधे सीधे उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आप देखिए दो चीजें, एक तो मीडिया के ऊपर उनका हमला काफी तिखा हुआ है, साथ ही साथ हमारे कारपोरेट घराने के ऊपर भी उनके हमले काफी तिखे हुए, वो नाम लेके लगातार जो कि पिछले 2 महीने से लगातार सारे हमले किए जा रहे हैं। तो वो जनता को समझने में कहीं कोई असुविधा की स्थिति ना हो, और सीधे राहुल गांधी एकदम स्पष्ट कर रहे हैं और जनता समझ जा रही है। आज के समय में देखिए बीजेपी के कुछ रणनीतियों को अगर हम लोग देखें, 2021 में आपने जनसंख्या के मामले को टाला, लेकिन जो नया आदेश एक तरह से जनसंख्या रजिस्ट्रार की तरफ से आया है वो जनसंख्या के पूरे मामले को एक तरह से दिसंबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। यानी अब जो जनसंख्या होगा, सेंसस होगी, वो कब होगी, वो सेंसस का पूरा मामला 2024 तक के लिए आगे के लिए टाल दिया। आप सोच के देखिए कितने बड़े कुछ कुछ प्लानिंग है। यानी देखिए विपक्ष भी समझ रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं एक तरह से, कभी भी देखिए 2021 में अब तो अब विधानसभा के चुनाव तो नहीं टले कभी भी राजीव जी, लेकिन आपने जनसंख्या के मामले को 21 के बाद 22 में हो सकता था, इस साल 23 में भी हो सकता था, आप उसे बिल्कुल छोड़ के बैठे हैं। तो बीजेपी अब यहां से नहीं कहते, वो तो 24/7 इलेक्शन मुद्रा में होती है, वो जनसंख्या जैसे मामलों को भी, सेंसस जैसे मामलों को भी टाल रही है। देखिए देश के समक्ष अगर वो फिर से रिपीट होते हैं तो जैसे कि देश की जनता समझ रही है, विपक्ष की समक्ष पार्टियां समझ रही है कि अब वो स्थितियां नहीं होगी कि केवल आपके पास जो है कि रडार में जो है कि वो सीबीआई होगा, ईडी होगा, इसके बाद की स्थितियां कैसे बनेंगी, जो इसमें न्यायपालिका के साथ जो टकराहट की स्थितियां हैं, आप सोच के देखिए कि हमारे कानून मंत्री और हमारे उपराष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं। संविधान के आधारभूत संरचना पर हमला करने का काम हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं, जो राज्यसभा के प्रधान सभापति है। ये बेशर्मी की हद कहां तक पहुंच चुकी है। आप संविधान और संविधान के आधारभूत संरचना का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। केशवानंद भारती का निर्णय कब आया था? 73 में आया था, 50 साल पहले वो स्थितियां आई थी, इतनी सरकारें आई और गई, उस निर्णय का सम्मान सभा ने किया।
पूरे विश्व भर के अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया, जुडिशरी ने, दूसरे देशों में उसके बड़े प्रतिमान के रूप में किया जाता है। और आज आप न्यायपालिका पर नियंत्रण पाने के लिए स्थितियां कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जो इन चीजों को समझा रही और जो घटनाएं घट रही है वो बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर घट रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये करो या मरो वाली जो स्थिति कही है पूर्व के वक्ता ने, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अभी देखिए, और मैं ये नहीं मान रहा कि देखिए कांग्रेस ने दूसरे पार्टियों को जोड़ने के प्रयत्न कम किए। आप सोच के देखिए कि यूपीए के पुलवा में आज अगर हम लोग देखें कि जो बड़े बड़े पुरानी पार्टियां थी, दो बड़ी पुरानी पार्टियां जो एनडीए में शामिल थी, शिवसेना आज एक तरह से कांग्रेस के साथ है, जदयू आज कांग्रेस के साथ है, तो ये जो उनके घटक दल थे वो तो उनके साथ सुरक्षित नहीं है, यहां पर सुरक्षित है। क्षेत्रीय पार्टियां लेकिन दबाव की रणनीति बना रही है अभी इस समय अलग अलग ढंग से, कि वो प्रारंभिक तौर पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, वो हर चुनाव में हम लोग देखते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है उस चीज को लेकर, और साथ ही विपक्ष भी इस पूरे मामले को समझेगा कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये 2019 या 14 से काफी भिन्न स्थिति है। यहां पे अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को नहीं बचा पाए तो फिर आगे की डगर बड़ी मुश्किल वाली डगर की स्थिति होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा जयशंकर गुप्ता जी।